4.5 साल बीत गए और आज सबको त्योहार में होना था, लेकिन भूपेश सरकार की देन से आज हम सब रोड में त्योहार मना रहे हैं। त्योहार क्या मना रहे हैं? अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हम रोड पे हैं। एजमा लगाने से डरने वाले तो है नहीं हम लोग, है ना, उसके लिए तो सामूहिक इस्तीफा हम लोगों ने दे ही दिया है। कि हमने बहुत सब्र रखा है सर, ऐसा नहीं है कि हम अचानक से उग्र आंदोलन करने पे आतुर हो गए हैं, लेकिन सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। कब तक हम कुछ नहीं करें? हमको उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है आज हरेली त्योहार में शाम तक वो कुछ फैसला कर ले और हमारे हित में फैसला करके हमको नियमितीकरण की सौगात दे दे। संविदा कर्मचारी मन के जेल भरो आंदोलन चल रहे थे, हमारे साथ कुछ महिला कर्मचारी भी मन है, ओकर संग सीधा मन गोट बात करता हूँ। बहनी आप मन आज हरेली के तिहार के दिन जेल भरो आंदोलन करा तो एकर जरूरत काबर पड़ गई? क्योंकि सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं कर रही है, इसी कारण से सरकार अपनी हरेली त्योहार मना रही है अपने जगह पे, लेकिन हमारी जो मांग है 4.5 साल से हम एक ही मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद वादा किया था हमारे मंच में आके कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा। 4.5 साल बीत गए और आज सबको त्योहार में होना था, लेकिन भूपेश सरकार की देन से आज हम सब रोड में त्योहार मना रहे हैं। त्योहार क्या मना रहे हैं? अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हम रोड पे हैं, इसलिए हम शासन से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो हमारी मांग को पूरा, अन्यथा ये देख ही रहे हैं 45,000 की जनसंख्या है, इससे भी उग्र आंदोलन हो सकता है। सरकार इसकी स्वयं जिम्मेदार होगी, चाहे जो भी हो हमको नियमितीकरण चाहिए, अभी उनके पास वक्त है, वो हमें हमारी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा करें, बस यही चाहते हैं हम अपनी सरकार से। कुछ और भी कर्मचारी मन है दीदी, यहाँ पर आप मन जेल भरो आंदोलन चालू कर रहे हो, पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दे गए, उसे लेकर का? पुलिस प्रशासन अपनी प्रक्रिया कर रही है, हम लोग अपने जो हमारा नियमितीकरण का मांग है उसको हम ले कर रहेंगे, और भूपेश सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है ऐसा हम अभी तक सोचते हैं, तो हमको उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है आज हरेली त्योहार में शाम तक वो कुछ फैसला कर ले और हमारे हित में फैसला करके हमको नियमितीकरण की सौगात दे दे। मानसून सत्र अभी स्टार्ट हो रहा है, उस क्या आप लोग का आंदोलन और उग्र रूप में हमें देखने को मिलेगा? जरूर देखने को मिलेगा सर, हमने इतना साल इंतजार किया कि सरकार हमारी बात कब सुनेगी और अपना किया हुआ वादा निभाएगी। हमने बहुत सब्र रखा है सर, ऐसा नहीं है कि हम अचानक से उग्र आंदोलन करने पे आतुर हो गए हैं, लेकिन सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। कब तक हम कुछ नहीं करें? हमको उग्र आंदोलन करना ही होगा और सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। हमारा तो एक ही मांग है, नियमितीकरण। आज हरेली का त्यौहार है तो हम भूपेश सर से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें उपहार स्वरूप हरेली के त्यौहार में नियमितीकरण की सौगात देगी, तो यही उम्मीद में आज हम यहाँ है और हरेली के जैसे दिन पे हमको रोड पे आने पे मजबूर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये समझना चाहिए कि हमारे लिए नियमितीकरण कितना महत्वपूर्ण है। इतने सारे संविदा कर्मचारी, किसी को शौक नहीं होता है कि रोड पे आके वो इस तरह का प्रदर्शन करे, सभी के लिए जरूरी है नियमितीकरण, और सरकार ने खुद कहा था कि 10 दिवस के भीतर आपको नियमितीकरण दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपना वादा भूल गई है। हम सरकार को वो वादा याद दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं और इतनी हजारों की संख्या में यहाँ पब्लिक है, तो सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। अब इस पर मैं क्या बोल सकती हूँ, सरकार जानती है कि वो क्या कर रही है, एजमा लगाने से डरने वाले तो है नहीं हम लोग, है ना, उसके लिए तो सामूहिक इस्तीफा हम लोगों ने दे ही दिया है। अब वो आगे क्या कार्यवाही करेंगी और आगे हम लोगों की मांग मानती है नहीं मानती है ये उनके ऊपर है, वो और क्या करना चाहते हैं, हम लोग तो नहीं हटने वाले यहाँ से। रणनीति अब जो हमारे संघ के जो पद में है वो लोग हमें बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं संविदा कर्मचारी आज जेल भरो आंदोलन पे हैं, एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा है और उनका यही कहना है कि मनोबल अभी कम नहीं हुआ है और उग्र रूप से हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखते रहे न्यूज़ 72, मैं सौरभ नायक, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।